ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोवर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। नॉर्थ वेस्ट जिला पुलिस का ऑपरेशन सजग ने एक और कमाल दिखाया है। जिले के भारत नगर थाना अंतर्गत संगम पार्क पुलिस चौकी ने काला जेठरी गैंग के दो शार्प शूटर को दबोचा है। पुलिस ने इनके कब्जे से दो ऑटोमेटिक पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस और चोरी के दो स्पोर्ट बाइक भी बरामद की है। बाहरी दिल्ली के कंझावला इलाके के कुतुबगढ़ और जोंती गांव के रहने वाले दोनों युवकों की उम्र 18 साल है। महज 18 साल की उम्र के इन दोनों युवकों का नाम अंकित उर्फ दीपांशु व आशु उर्फ निखिल पर दो दो मुकदमों का होना और काला जेठरी गैंग जैसे बड़े गैंग से जुड़ना इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि दिल्ली में किस तरह छोटी उम्र के युवक अपराधियों से जुड़ रहे हैं। चोरी की बाइक से आधुनिक पिस्तौल के साथ नॉर्थ दिल्ली में इनकी मौजूदगी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि किस तरह खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन संगम पार्क पुलिस चौकी के सतर्क जवानों ने इन्हें उस वक्त दबोच लिया जब इस सावन पार्क अंडरपास से बिना नंबर की मोटरसाइकिल से गुजर रहे थे। थाना अध्यक्ष मोहर सिंह मीरा की निगरानी और चौकी इंचार्ज वीरेंद्र के दिशा निर्देश पर इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे संगम पार्क पुलिस चौकी में तैनात सिपाही यामीन, स्नेह और नितिन को देखकर इन्होंने यू टर्न लिया और भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए कुछ ही दूरी पर पीछा कर दबोच लिया। पूछताछ के दौरान इनकी पहचान हुई, दोनों ही नशे के आदी है। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आत्तन अपराधी है। इन पर हत्या, हत्या का प्रयास सहित आर्म एक्ट के तहत दो दो मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। जिस यामा मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर रहे थे वह आदर्श नगर इलाके से एक हफ्ता पहले ही चोरी हुई है। पूछताछ में इन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ये काला जेठरी गैंग के प्रमुख सदस्य हैं। इनसे बरामद ऑटोमेटिक पिस्तौल भी इन्हें काला जेठरी गैंग के ही एक प्रमुख सदस्य ने दी है। काला जेठरी गैंग का ये संपर्क उन्हें निर्देश देता है। गौरतलब है कि काला जेठरी गैंग उस समय ज्यादा चर्चा में आया जब मॉडर्न टाउन इलाके में सागर धनकर पहलवान की ओलंपिक विजेता सुशील पहलवान पर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगा था। उस मामले में सुशील पहलवान अभी भी जेल में बंद है। नशे के आदि ये दोनों युवक कई हत्या, हत्या का प्रयास और आर्म एक्ट जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहे हैं। ये अभी हाल ही में ऑब्जर्वेशन होम से आए हैं। ये दोनों जिस तरह से बेखौफ हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल के साथ घूम रहे थे इस बात को साबित करता है कि ये अब आतंक अपराधी हैं। भारत नगर थाना पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इस इलाके में क्यों आए थे, क्या किसी अपराध को अंजाम देने की योजना थी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ जूही तोमर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर